नमस्कार, अर्थ मैटर्स के एक और ख़ास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम ले चलते हैं आपको एक अद्भुत सफ़र पर, भारत की पहली रामसर साइट, जी हां, ओडिशा में बसे चिल्का लेक पर। चिल्का लेक एक उदाहरण है एक अद्भुत मिश्रण का, स्वच्छ जल और समुद्र का खारा जल, और ये घर है इरावडी डॉल्फिन्स का और अन्य अद्भुत जीवों का। लेकिन जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा, हर एक इकोसिस्टम आज खतरे में है और चिल्का लेक का अस्तित्व भी खतरे में है। तो आज हम नज़र डालते हैं चिल्का लेक पर और बढ़ते हुए खतरों पर। दुनिया की तटरेखाएं आशियाना है विविध पर्यावरण प्रणालियों का। समुद्र की सतह और लहरों में बढ़ोतरी और मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं में बदलाव पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाएं, और इनके कारण तटों के आकार में परिवर्तन आया है, जिससे रेतीले इलाके, मुहाने, दलदली इलाके और लगून बने हैं। मुहानों में ताजे पानी और समुद्र के खारे पानी के मेल से ऐसी अनूठी प्रजातियां पनपती हैं जो इस खारी पर्यावरण प्रणाली के मुताबिक ढल गई हैं। नमकीन दलदली इलाकों और लगूनों में भी अनेक तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पलते हैं। ये समृद्ध लेकिन नाजुक पर्यावरण प्रणालियां दुनिया की तटरेखाओं के लगभग 13% हिस्से में मौजूद हैं। लगून उथले खारे पानी वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जमीन या रेतीले इलाकों की संकरी पट्टियों के जरिए गहरे सागर से अलग होते हैं, और इनमें प्राकृतिक उपखाड़ियां हो भी सकती हैं और नहीं भी। लगून वाले पर्यावरण तटीय जलराशियों से कई तरह से भिन्न होते हैं। लगून के तापमान समुद्र की तुलना में कहीं ज्यादा अलग अलग तरह के होते हैं। लगून की उथली जलराशि दिन के दौरान सूरज की किरणों के कारण आसानी से गर्म हो जाती है, और रात में ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लगूनों का खारापन भी अलग अलग होता है। भारी वर्षा की वजह से लगून के पानी में खारापन कम हो जाता है, इससे इनमें मौजूद समुद्री जीवों की मौजूदगी भी प्रभावित होती है, और ये खारे पानी के मुताबिक ढली हुई प्रजातियों के योग्य बन जाते हैं। नदियों और जलधाराओं के जरिए जो पानी जमीन से होकर बहता है वो भी लगून के खारेपन को कम कर देता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा से भारत का पूर्वी तट दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, जो लगभग 2545 किलोमीटर लंबा है। इस तट पर बहुत से मुहाने, खारे पानी वाले लगून, कोरल रीफ और समुद्री खरपतवार वाले मुहाने मौजूद हैं। तटीय पर्यावास पर्यावरण के नजरिए से क्रियाशील है और यहाँ अनेकों तरह के जीव पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ साथ करीब 17 लगून हैं। मछली पालन के लिहाज से ये इलाके महत्वपूर्ण हैं। ये कई तरह की कवच वाली और फिन वाली मछली प्रजातियों की नर्सरी की भूमिका निभाते हैं। चिलिका भारत के अनूठे लगूनों में से एक है, और ये उड़ीसा के पूर्वी तट पर महानदी दरिया के मुहाने पर स्थित है। माना जाता है कि सदियों पहले ये बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा था, और समुद्र की लहरों और बहावों ने तटरेखा के आसपास ढेर सा रेत जमा कर दिया, जिससे इस लगून का निर्माण हुआ। यहाँ ताजा पानी, खारी और समुद्री पर्यावरण प्रणालियां एक साथ मौजूद हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, जिससे ये झील अनूठी बन जाती है।
ये एशिया का सबसे विशाल खारे पानी का लगून है। इसे अनूठा बनाता है ताजे पानी और खारे पानी का मेल, जो अलग अलग तरह की पर्यावरण प्रणालियों की रचना करके बहुत सी प्रजातियों को आशियाना उपलब्ध कराती है। चिलिका झील समुद्र से एक 29 किलोमीटर लंबी अनियमित जलधारा के जरिए जुड़ी है और इसमें कई छोटे रेतीले द्वीप हैं, जैसे कि नालाबाना। झील के अंदर मौजूद ये दलदली इलाका एक मशहूर पक्षी अभयारण्य है और इसकी तरफ सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी और भारतीय पक्षी आकर्षित होते हैं। झील में मौजूद नालाबाना द्वीप पूरे मॉनसून के दौरान पानी में डूबा रहता है और सर्दियों के दौरान जब इसका पानी घटने लगता है तो ये घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त जगह बन जाती है। इसी समय प्रवासी पक्षियों का पहला समूह भी यहाँ पहुंचता है और इसे सर्दियों के दौरान अपना आश्रय स्थल बनाता है। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी दोनों ही प्रकार के जल पक्षियों की जबरदस्त विविधता नजर आती है, इसलिए पक्षियों के दर्शन करने वाले लोगों के लिए चिलिका झील इतना लोकप्रिय स्थान है। चिलिका फ्लेमिंगो पक्षियों की प्रजनन करने वाली दुनिया की सबसे विशाल कॉलोनियों में से एक है। इनमें से कुछ तो ईरान और कच्छ के रण जैसी दूर दराज जगहों से यहाँ आते हैं। अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण चिलिका को 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसका मतलब ये है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला दलदली इलाका घोषित कर दिया गया है। बदकिस्मती से मछुआरों की आबादी का दबाव और झील के आसपास सैलानियों के रहने तथा इस अभयारण्य को देखने के कारण इस लगून पर जबरदस्त दबाव पड़ा है। चिलिका एक दम तोड़ती झील थी। अगर आप 1993 की बात करें तो इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। कारण था इसका बदलता हुआ पर्यावरणीय मिजाज, मानव निर्मित गंभीर दबावों की वजह से, और झील के ऊपर वाले हिस्से यानी लेक बेसिन में जमीन के इस्तेमाल में आ रहे बदलावों के कारण झील ताजे पानी वाली पर्यावरण प्रणाली में बदलती जा रही थी। The lake was, you know, kind of transforming into a freshwater ecosystem. अनुमानों के अनुसार हर साल 50 से ज्यादा नदियों, जलधाराओं और वर्षा के कारण करीब 3,65,000 टन तलछट झील में पहुंच जाती है। इससे झील का क्षेत्र घट गया है और प्राकृतिक उपखाड़ी का दम उड़ जाने से समुद्र से इसका संपर्क टूट गया है। इससे यहाँ के खारेपन में कमी आई है और इस अनोखी पर्यावरण प्रणाली से कुछ समुद्री और खारे पानी वाली प्रजातियां खत्म हो गई हैं। खारेपन में कमी की वजह से ताजे पानी में पनपने वाली खरपतवार प्रजातियां फैल रही हैं और वे कई मछलियों के चरने वाले और प्रजनन वाले स्थानों को सीमित कर रही हैं। दुर्लभ और खतरे से घिरी प्रजातियों में इरावदी डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल, ब्लैक बक शामिल हैं और ये सभी इस पर्यावास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सैलानियों और पर्यावरणवादियों दोनों के लिए चिलिका झील की एक खासियत है यहाँ की इरावदी डॉल्फिन, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन डॉल्फिनों के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दुनिया में इरावदी डॉल्फिनों की कुल तादाद 1,000 से भी कम बताई जाती है। पर्यावरण की तबाही और खारापन कम होने के अलावा डॉल्फिनों की मौत की मुख्य वजह हैं सैलानियों और मछुआरों की मैकेनाइज्ड नावें और प्रोपेलर। चिलिका लेक एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम तो है ही, वेटलैंड्स है, ये एक रामसर साइट भी है। इस झील पर निर्भर करती है जीविका लाखों लोगों की, मछुआरों की, पर अंधाधुंध मछलियों का दोहन और अन्य गतिविधियों के कारण
यहाँ का पानी प्रदूषित होता जा रहा है और यहाँ की दुर्लभ इरावडी डॉल्फिन, उसका भी अस्तित्व आज खतरे की कगार पर पहुंच गया है। डॉल्फिनें मछलियां खाती हैं, इसलिए वो जाल में फंसी मछलियों की तरफ आकर्षित होती हैं और अक्सर वो भी जाल में फंस जाती हैं, जिससे उनका दम घुट जाता है। इनमें से बहुतों की जान झील में चलने वाली मैकेनाइज्ड नावों के प्रोपेलर से टकराने के कारण होती है। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉल्फिनों को बचाने के लिए लगातार एक अभियान चलाती रही है। चिलिका में इंजन से चलने वाली नावों के लिए विशेष डिजाइन वाले प्रोपेलर गार्ड लगाने और डॉल्फिनों को देखने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। Now about 800 boats are being pressed into service for dolphin watching. आज करीब 800 नावें डॉल्फिन को दिखाने के लिए झील में उतरती हैं, पर ये अलग अलग जगहों पर होती हैं। ये एक ही जगह पर नहीं होती, ये फैली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी मौजूदगी है वो जीवों के लिए मुश्किल की वजह है। तो अब उन लोगों ने ये फैसला किया है कि ये उन जगहों की पहचान करेंगे जहाँ आमतौर पर डॉल्फिन नजर आती है। हम वहाँ स्थानीय स्तंभ बनाएंगे। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन स्तंभों से आगे कोई मैकेनाइज्ड बोट नहीं जाएगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डॉल्फिनों को देखने के सिलसिले में एक नियमावली बनाई है और ये लोग उसका पालन करने को राजी हो गए हैं। They have agreed to follow that. इन कोशिशों से चिलिका में मरने वाली डॉल्फिनों की तादाद में कमी लाने में मदद मिली है। ये दलदली इलाका बहुत से जीव जंतुओं के साथ साथ ताजे पानी की अनेकों मछलियों और झींगों को पनपने में भी मदद करता है। इस लेक में हेरिंग और सार्डीन मछलियों की भी खासी बड़ी तादाद है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ मछलियों की करीब 217 प्रजातियों की पहचान की है। सरीसृपों और उभयचर जीवों की भी लगभग 37 प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। इस इलाके में एक सदी से भी अधिक समय से रहने वाले लोगों के लिए मछली पकड़ने का काम एक पारंपरिक पेशा और रोजी का जरिया रहा है। नमक वाली सूखी मछलियां, अंडे और छोटी मछलियां, विशेषकर हिलसा और झींगे यहाँ के लोगों की आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। गर्मियों के महीनों में जब ज्यादा मछलियां नहीं होती और झील सिकुड़ जाती है तो उसकी सूखी तली का इस्तेमाल चावल या बाजरा उगाने के लिए किया जाता है। लेकिन मछुआरों के लिए जीवन हमेशा से इतना मुश्किल नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत तक मछलियों को पारंपरिक तरीकों से पकड़ा जाता था, जैसे कि जालों, स्थानीय तौर पर बनी नावों और बांस के फंदों के जरिए। पकड़ी गई मछलियों को मछुआरों, नाव के मालिकों और जाल के मालिकों के बीच बांटा जाता था। ये एक वहनीय चक्र था। हर चरण में समुदाय का सहयोग साफ नजर आता था। लेकिन झींगों का निर्यात शुरू होने से बाजार में तब्दीली आई। नायलॉन के बेहद महीन जाल इस्तेमाल होने लगे। ये झींगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें छोटी कम उम्र मछलियां भी फंस जाती थी। झींगों को निकाल लिया जाता था, जबकि अन्य प्रजाति की मछलियों को कचरे के तौर पर फेंक दिया जाता था, जिनमें ज्यादातर कम उम्र की मछलियां होती थी। इससे मछलियों की तादाद में कमी आई। उसके बाद आई मोटरबोट। ये पारंपरिक तरीकों के मुकाबले बहुत कम समय में बहुत सारी मछलियां पकड़ लेती थी और कुछ तो झील की सतह को ही खोद डालती थी, जिससे न केवल तली में रहने वाले जीव मारे गए बल्कि झील की तली भी बर्बाद हो गई। इंजन से चलने वाली ज्यादातर नौकाओं के मालिक मछुआरा समुदाय से बाहर के लोग हैं। इनमें से कुछ कोलकाता के और अन्य उड़ीसा के कई शहरों से हैं। हद से ज्यादा मछलियां पकड़ने, प्रदूषण, गाद जमने और झील में होने वाले रासायनिक बदलावों के कारण यहां पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद घट रही है और उससे मछुआरों की रोजमर्रा की आजीविका प्रभावित हो रही है।
पहले 20 किलो 30 किलो ऐसे मिल रहा था, अभी तो 1 किलो 2 किलो नहीं भी होता है। तो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो मेहनत तो हम लोग का परिवार को सफिशिएंट भी नहीं होता है। प्रदूषक तत्वों ने इस झील की नाजुक पर्यावरण प्रणाली के हाइड्रोजन आयन संतुलन को खतरनाक स्तर तक गिरा दिया है। झील के आसपास और उसके अंदर मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां बेतरतीब तरीके से चलाए जाने के कारण हालात और बदतर हो रहे हैं। चिलिका उड़ीसा का गौरव है और ये एक ऐसा विरासत स्थल है जिसे अपनी अनूठी पर्यावरण प्रणालियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। मगर अब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। इससे न केवल एक नाजुक पर्यावरण प्रणाली प्रभावित हुई है, बल्कि बहुत सारी दुर्लभ और खतरे से घिरी प्रजातियां भी विलोपन की दिशा में बढ़ रही हैं। चिलिका एक ऐसा दलदली इलाका है जिसे हम गंवा नहीं सकते, और पृथ्वी पर मौजूद इस विरासत को बचाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। संरक्षण और प्रबंधन के हिसाब से ये पूरा दलदली इलाका ही भारत सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, लेकिन इसके लिए लोगों के सहयोग की भी तुरंत आवश्यकता है। झील का ज्यादातर प्रदूषण हमारी और कुछ एक व्यवसायों में होने वाली कारोबारी गतिविधियों की देन है। चिलिका खतरे में है। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी पर्यावरणविदों और नागरिकों को इस अनूठे पर्यावास को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि मछली पालन और एक्वाकल्चर के वहनीय विकास और वन्य जीवों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। नियंत्रित इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिला है, और साथ ही इससे इस पर्यावास के प्रबंधन और देखरेख के लिए पैसा भी मिला है। द्वीपों और पक्षियों के पर्यावासों को बहाल करने और पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों की मदद से झील के स्तर को कायम रखने से झील की सेहत को धीरे धीरे बहाल करने में मदद मिली है। We went for a kind of opening of a new mouth. हम सन 2000 में एक मुहाने को खोलने गए थे। इससे झील की पर्यावरण प्रणाली में काफी सुधार आया। अब इस बात को करीब 13 साल हो गए हैं, और इन वर्षों के दौरान हमने पाया है कि झील की पर्यावरण प्रणाली ने खुद को बहाल किया है। उसकी जैव विविधता में काफी सुधार हुआ है। झील की उत्पादकता, उसकी पानी की क्वालिटी और उसकी फ्लैगशिप में भी बेहतरी आई है। लेक प्रोडक्टिविटी, लेक वाटर क्वालिटी। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नदियों द्वारा लाई जाने वाली तलछट को नियंत्रित करने की भी कोशिश की है। ऐसा उसने झील की तली से गाद को निकाल कर किया है। सड़कों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के जरिए झील के इर्द गिर्द रहने वाले समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इस पर्यावरण में प्रदूषण को घटाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग इस जगह को देखने आते हैं वो झील में और उसके आसपास के क्षेत्र में कचरा न फैलाएं। यदि चिलिका झील को एक मौका दिया जाएगा तो वो फिर से अपनी मूल शान को हासिल कर लेगी और स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत और गंतव्य बनी रहेगी। पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य वस्तु पानी है। हर जीव को, हमारी फसलों को, हम सबको पानी की जरूरत पड़ती है, लिहाजा बहुत जरूरी है इसका संरक्षण करना। वेटलैंड्स जैसे कि चिल्का वेटलैंड्स, इनको बचाए रखना। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा अगर हम सब मिलकर एक प्रयास न करें। एकजुट प्रयास की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारी विरासत, ये धरोहर बची रहे। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, इन प्रजातियों में से कौन सी एक मछली नहीं है? इसका सही जवाब है सी हॉर्स,
केवल सी हॉर्स ही मछली प्रजाति से है, बाकी जली फिश और कटल फिश हैं। और आज के विजेता हैं सुब्धा वधिवल चेन्नई, अनिल कुमार गंडवाल उत्तर प्रदेश, गुरजोत सिंह पंजाब, जीवन एम कर्नाटका, अभिषेक कश्यप नई दिल्ली। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और एक सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं प्रशांत होलकर मध्य प्रदेश, विपिन कुमार राजस्थान, पंकज चंद राजपूत नई दिल्ली, आदित्य वर्मा उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार उत्तराखंड, हर्षिता शर्मा राजस्थान, कुमार विवेक रंजन झारखंड, सुभा साधु खान पश्चिम बंगाल, प्रताप सिंह मोगरे छत्तीसगढ़, विशाल अशोक पवार महाराष्ट्र। और इस हफ्ते का सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और कहां पर है? विच एंड वेयर इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है ddearthmatters@gmail.com। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमको आपके खतों का हमेशा बेताबी से इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।